त्र्यंबकेश्वर से निकलकर पश्चिम सागर में मिलती दमण गंगा नदी के किनारे बसे गुजरात और महाराष्ट्र के बीच सीमा के बीच 72 गांवों का प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली द्वारा संचालित किए गए संत प्रदेश के नाम से जाना जाता है। संत प्रदेश दादरा नगर हवेली में विभिन्न प्रजातियां रहती है, जैसे कि वाली, कुकड़ा, कोलचा, धोड़िया आदि यहां के मूल निवासी हैं। यहां की संस्कृति भी कुछ अलग सी है। यहां के जब मूल निवासियों का त्यौहार आता है तब यहां के लोग तारपा और तुल थाली बजाकर आनंद उत्साह से मनोरंजन करते हैं। तुर थाली दीपावली, होली और नया धान एवं फसल तैयार होने पर तुर थाली बजाकर शारीरिक उत्साह एवं भरपूर आनंद से मनोरंजन करते हैं। हम जानेंगे कि तुर थाली को कैसे तैयार किया जाता है। तुर लाल मिट्टी से तैयार किया जाता है। उस पर जो चमड़े का पड़ होता है वह उटका होता है। जब तुर बजाने को होता है तब चमड़े पर चावल का आटा या गेहूं का आटे को कोयले में मिश्रण करके भेंड़ बनाया जाता है, ताकि उसमें से ताल और लय सुंदर निकल सके। थाली कासा धातु की ही होनी चाहिए ताकि उसकी ध्वनि सुंदर निकल सके। साथ में थाली को बजाने के लिए जो लकड़ी होती है वो शीशम की लकड़ी की ही होनी चाहिए। धन्यवाद। अंगठी मझार जाए फुटू सके फुटू सके। फुलत आहे तसं बाळ हंदेश फुलंदेश फुलफा दिजा बंद दिजा।